दोस्तों, जैसा कि हमने बोला हमारी यात्राएं बदलती रहती हैं और आज हम आए हैं भरतपुर की सबसे फेमस जगह घना पक्षी विहार में और हमारी यात्रा यहाँ से हो रही है स्टार्ट। और ये मेरे सामने है पार्किंग और यहाँ अपनी बाइक की पर्ची कटा रहे हैं। तो उसके बाद हम एंट्री मारेंगे घना पक्षी विहार के बिल्कुल अंदर, तो देखते हैं कैसा होता है एक्सपीरियंस। यहाँ चीता की वार्निंग दे रहा है, पैंथर रे अगर घुस गया तो पैंथर पकड़ लेगा। वैसे हम परेशान है गए बंदर और चमगादड़ थे, भगवान करे हमने मिल जाए। या चीता को तो पता चला जिसका सामना हो रहा भरतपुर के शेरों से। अब हम एंट्री मार रहे हैं बाइक खड़ी करके पार्किंग लॉट में थे, फिर अंदर घुसेंगे, टिकट विकट लेंगे। टिकट काउंटर है, एंट्री गेट ले सकते हैं हम, ले सकते क्या लेंगे भाई, कितने की है का सिस्टम है के लिए। और ये है भरतपुर का घना पक्षी विहार जिसमें भाई ने ली है टिकट और दो टिकट, यानी कि एक टिकट की प्राइस है 136 रुपये, जो हमने बड़ी सुखपूर्वक उसको ख़रीद लिया है। वैसे तो एंट्री मारे थे हमने, आपको अब ये लोमड़ी थी वो भाग गई। अब तुम समझ रहे हैं हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन आपको नहीं दिखाई दी, हमें दिखाई दे गई वो। तो दोस्तों, इसमें जैसे आप एंट्री मारेंगे तो कमज़ोर दिल वाले लोग होते हैं, उनके लिए एक चेतावनी है। यहाँ पे घूम रहा है खुले में पैंथर, और जब हम टिकट लेंगे ना वो भी आपको चेतावनी दे देंगे, भैया यहाँ पैंथर है, वो है ना, वो गुटका सी ना काके होते हैं, तो वो अटैक कर चुका है या कर देखो। तो बड़ी दिल की तमन्ना वो हमने मिला है, और बात है थोड़ा हम भी इंजॉय कर लें और पैंथर वैंथर पर खाओ जाएँ तो मुआवजा मिल जाएगा सरकार की तरफ से, कछु तो काम आएंगे घर वाले इनके। तो यार चक्कर में रास्ता वैसे तो ये है, लेकिन हम रास्ता पकड़ेंगे ऐसे। ये क्या है देखियो, रिक्शा मिल रहा था। अब सुनील बोल रहा है यार हमें तो शर्म नहीं आती तुझे, इतना मुस्टंडा होकर रिक्शे पे जाएगा। पैदल चलते हैं 27-28 किलोमीटर है, तो हम इससे कम थोड़ी है भाई। मैंने कहा चल पैदल क्यों नहीं मरे अभी, और चलते हैं घूमते फिरते देखते हैं कितना लंबा सफ़र है। तो यह है घना पक्षी विहार का बोटिंग स्थल। यहाँ पर ना और हम सोच रहे थे हम नाव के मज़े लेंगे, बिल्कुल कश्मीर वाली फीलिंग लेंगे। यहाँ पे पता चला कि इनको शो ऑफ के लिए रखा हुआ है, चलाएंगे नहीं, बैठे रहो, इंतज़ार करते रहो बस। तो चलते हैं दोस्तों आगे, हम इसके अंदर हैं। फ़िलहाल तो मैं ऐसी कुछ खास चीज़ ना मिली भाई यहाँ पे, जैसे में जानी जाए, लेकिन थोड़ा सड़क से हटकें झाड़ी वाड़ी सी मिल रही है, पट परोस हो मतलब समतल मैदान जिसमें निकल रहे हैं हमारे प्राण। चले तो भाई और आगे देखे कछु मिल जाए। हाँ सड़क है यहाँ, लंबी सड़क चलती जा रही है फिलहाल, और गले में रिक्शा आ रहे हैं भाई, दो चार छोई छापरे से घूम रहे हैं। तो हम दोनों भैया हैं, और सुनने में आई है कि यहाँ अजगर पॉइंट है, यानी कि वो अजगर सांप रहे ना वे परे रहे, और हम दोनों इतने बदनसीब हैं पता उन्हें नहीं मिलेंगे वे। और 136 रुपया टिकट बस खर्च करिए, तो सोच रहे हैं कोई बढ़िया चीज़ मिल जाए। बढ़िया यहाँ सो सर गैया सी मिल रही है बेजार भी, तो हमारे गाँव में बहुत हैं बढ़िया चीज़ की तलाश में फिलहाल हम बढ़िया। अभी तो देखें भैया कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो जाती तो मन्नू और अमन्नू मजा आवे। तो चल रहे हैं, थोड़ा इतने को घुस रहे हैं तो बोल रहे हैं कि इनके अंदर जा परमिशन ना है, परमिशन की का लेन देन भाई, पेशाब नहीं करेगा भीतर जाएंगे। तो और देखें हम कर रहे हैं आप बम्बूर सी पे आराम, यहाँ एक शांति सी है, मूड ना चाट रहा कोई। चला तो भैया हमने 6-7 किलोमीटर हम चल रहे हैं, चब जाए कहने का आराम कर रहे हैं यहाँ पे, देख लो बैठ के यहाँ, और यहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना। वैसे तो कौन हमने डिस्टर्ब करेगा, तो कह रहे हैं कि आ गए 272 दिए तो आ गए अजगर पॉइंट, यानी कि वहाँ पड़े रहते हैं मोटे मोटे अजगर। तो भाई हमने तो शायद सुनी है लोग वागन थे रिक्शा वाले थे यहाँ पे कहे साहब अजगर हैं वहाँ, तो बिन्नम जाएंगे देखेंगे और दुआ करो रब से दुआ करो कि हमने मिल जाने का, तो मन्नू मज़ा आ जाए और मन्नू मज़ा आ जाए, क्योंकि अजगर तो ससुरे टीवी पर देखे हमने, रियल लाइफ में तो कबू ना देखे। तो थोड़ी देर बाद वो पॉइंट मिलेगा तो वहाँ देख लेंगे मिल जाए तो, और थोड़ी और हम चल रहे बैठ के कहना बात है अंदर खींच रहे हैं एनर्जी मिल गई।